प्रियंका चंदा शर्मा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। निधि अंशु शर्मा, रेखा चौधरी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। भावना चेल्सी, निर्मला चौधरी, पिंकी चौधरी, शुभी जोशी, शुभी जोशी, भावना चेल्सी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। पूजा कुमार दत्त, निकिता शर्मा भी आ गई, ठीक है। अब अपन बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन किसकी बात करेंगे, आपके फोर्थ यूनिट में क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी है, बहुभ्रूणता है। तो बहुसंख्य मतलब बहुभ्रूणता का निर्माण कैसे होता है, यह पहला टॉपिक है बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। तो आवृत बीजी पौधों में फर्टिलाइजेशन के पश्चात अंडाशय, ओवरी, फल में एवं अंडाशय में उपस्थित प्रत्येक बीजांड एक सीड में विकसित होता है। अपन क्या देखते हैं बेटा, जैसे आवृत बीजियों में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के बाद जो ओवरी है, अंडाशय है, वो तो फल में विकसित हो जाती है। वह अंडाशय में उपस्थित प्रत्येक बीजांड ओव्यूल एक बीज में विकसित हो जाता है। तो एक सीड में, एक बीज में केवल एक ही एम्ब्रियो भ्रूण पाया जाता है। क्या बताया, एक बीज में केवल एक ही भ्रूण, एक ही एम्ब्रियो पाया जाता है, परंतु कभी कभी कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे सीड्स हैं
जिनमें एक से अधिक एम्ब्रियोज भी पाए जाते हैं, तो एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों के विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अनावृत बीजी पौधों जिम्नोस्पर्म्स में भी पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आवृत बीजी पौधों जैसे कि सिट्रस, निकोडियाना, एलियम व क्रोटोलेरिया में भी बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो कौन से ऐसे आवृत बीजी पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें की बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है? तो बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस में पाई जाती है, निकोटियाना में पाई जाती है, एलियम व क्रोटोलेरिया में पाई जाती है। अपन देखते हैं प्रकृति में ऐसे अनेक पौधे हैं जिनके सीड्स में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, जिनके बीजों में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, परंतु इनमें से केवल एक ही भ्रूण परिपक्व हो पाता है। एक बार आइए, गुड्डी वर्मा और आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। चंदा चलावरिया, चंदा चलावरिया और गुड्डी वर्मा, गुड्डी वर्मा, ठीक है, इनको भी एडमिट कर दिया। प्रीति जांगिड़, प्रीति, प्रीति भी आ गई, प्रीति जांगिड़, ठीक है, ये भी आ गई, ठीक है। तो अपन अब क्या देख रहे हैं, शेष भ्रूण विकास की विभिन्न अवस्थाओं में नष्ट हो जाते हैं। तो क्या बताया कि अनेक ऐसे पौधे हैं जिनके बीजों में, जिनके सीड्स में एक से अधिक भ्रूण परिपक्व विकसित होते हैं, सीड्स में बीजों में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, परंतु इनमें से केवल एक ही भ्रूण परिपक्व हो पाता है और शेष भ्रूण क्या होते हैं, शेष एम्ब्रियोज नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में परिपक्व बीज में केवल एक ही एम्ब्रियो पाया जाता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता के अंतर्गत उन बीजों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनमें एक से अधिक प्राक भ्रूणों प्रो एम्ब्रियोस का निर्माण होता हो, चाहे बाद में केवल एक ही भ्रूण परिपक्व होता है एवं शेष नष्ट हो जाते हैं। तो बीजधारी पादपों में पॉली एम्ब्रियोनी की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉइक द्वारा संतरे सिट्रस के बीजों में किया गया। एक बार पायल राजे और मोनिका मीना को एडमिट कर देते हैं। पायल राजे और मोनिका मीना, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग बेटा, मैम मेरा पायल, पायल लगा दी बेटा, पायल राजे और मोनिका मीना, ठीक है बेटा। अच्छा, अपन क्या देखते हैं, जो पॉली एम्ब्रियोनी की जो प्रक्रिया है, बहुभ्रूणता का जो प्रोसेस है, उसको सर्वप्रथम किसने खोजा था, ल्यूवेनहॉइक ने खोजा था। किसमें देखा था ल्यूवेनहॉइक ने, पॉली एम्ब्रियोनी को ल्यूवेनहॉइक ने सिट्रस संतरे के बीजों में देखा था। इसके पश्चात ब्रान शनार्फ वेबर, जॉनसन एवं महेश्वरी आदि भ्रूण वैज्ञानिकों द्वारा पॉली एम्ब्रियोनी की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी को ल्यूवेनहॉइक ने सिट्रस संतरे के बीजों में देखा था। इसके बाद अनेक एम्ब्रियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने पॉली एम्ब्रियोनी का अध्ययन किया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी मतलब कि क्रिया कैसे होती है, तो बहुसंख्यक भ्रूणों के निर्माण के लिए उत्तरदायी बीजाण के विभिन्न हिस्सों की प्रकृति को देखते हुए पॉली एम्ब्रियोनी को दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार हैं? एक तो है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी,
ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, जिसे की कहते हैं सत्य बहुभ्रूणता, सत्य बहुभ्रूणता। दूसरी है फॉल्स और स्यूडो पॉली एम्ब्रियोनी, आभासी या कूट बहुभ्रूणता। तो सबसे पहले सत्य बहुभ्रूणता क्या होती है, मतलब जब एक ही भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूणों का विकास होता है, जब एक ही भ्रूण कोश में एक से अधिक एम्ब्रियोस का विकास होता है तो इसे सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं, सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। और फॉल्स और स्यूडो पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं, जब बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण कोश बनते हैं एवं प्रत्येक भ्रूण कोश में एक भ्रूण का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को आभासी बहुभ्रूणता कहते हैं। अब अपन लेते हैं ओरिजिन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक से अधिक एम्ब्रियोस की उत्पत्ति के आधार पर ब्रॉन ने पॉली एम्ब्रियोनी को चार श्रेणियों में विभेदित किया है। कौन कौन सी चार श्रेणियां हैं? पहला है भ्रूण के विदलन या खंडों में बट जाने पर प्रत्येक खंड द्वारा स्वतंत्र भ्रूण का निर्माण। दूसरा है अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश में उपस्थित किसी अन्य कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति। तीसरा है भ्रूण कोश के अतिरिक्त इसके बाहर की किसी भी द्विगुणित या बीजाणुद्भिदीय कोशिका से भ्रूण का बनना। बीजाणु में उपस्थित एक से अधिक भ्रूण कोशों से विकसित भ्रूण। तो पहले किसकी बात करते हैं अपन, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी की, विदलन बहुभ्रूणता क्या होती है। तो अपन देखते हैं जो आवृत बीजी पौधे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें एक से अधिक भ्रूणों का विकास होता है, एक से अधिक एम्ब्रियोस बनते हैं। और इसमें क्या होता है, किसमें, विदलन बहुभ्रूणता में, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में जो युग्मनस है या निषेकांड है, जाइगोट या ओस्पोर या प्रो एम्ब्रियो का विखंडन हो जाता है या विदलन हो जाता है। मतलब जाइगोट, ज़ूस्पोर और प्रो एम्ब्रियो अंडरगोज स्प्लिटिंग और क्लीवेज। जो युग्मनज है, निषेकांड है या प्राक भ्रूण है, प्रो एम्ब्रियो है, इनका विखंडन या विदलन होता है, जिसके फलस्वरूप दो या दो से अधिक खंडों अथवा इकाइयों में हो जाता है। मतलब जाइगोट का विखंडन, निषेकांड का विखंडन दो या दो से अधिक खंडों में या इकाइयों में होता है और प्रत्येक खंड विकसित होकर एक स्वतंत्र भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो विदलन बहुभ्रूणता की यह प्रक्रिया जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है, परंतु आवृतबीजी पौधों में यह बहुत कम ही देखने को मिलती है। मतलब क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी किसमें पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म्स में बहुतायत से पाई जाती है, और एंजियोस्पर्म्स में जो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी है कम ही देखने को मिलती है। कंचन को एडमिट कर देते हैं। और प्रिया, हाँ बेटा, ठीक है। तो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी आवृत बीजी पौधों में कम देखने को मिलती है और इस क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का उल्लेख सर्वप्रथम जेफरी द्वारा लिलियसी कुल के सदस्य इरिथ्रोनियम अमेरिकानम के भ्रूण विकास में किया गया था। मतलब जेफरी ने लिलियसी कुल का एक मेंबर था, एक पौधा था, और उस पौधे का नाम क्या है, इरिथ्रोनियम अमेरिकानम, इसके भ्रूण विकास में किया गया, ठीक है। तो जेफरी के अनुसार इरिथ्रोनियम में
निषेकांड विभाजित होकर बहु संख्या कोशिकाओं का एक समूह बनाता है। मतलब जेफरी ने क्या बताया, जो एरिथोनियम अमेरिकानम है उसमें निषेकांड विभाजित होता है और विभाजन के फलस्वरूप बहु संख्या कोशिकाओं का एक समूह बनाता है जिसके निचले सिरे से चार या अधिक अधिवृद्धियां, जिसके निचले सिरे से चार और या अधिक अतिवृद्धियां उत्पन्न होती है। प्रत्येक अतिवृद्धि एक भ्रूण का निर्माण करती है। इसी प्रकार एरिथोनियम के अतिरिक्त बहुभ्रूणता की प्रक्रिया अनेक आवृत बीजी पौधों में देखी गई, जैसे कि है बेटा ट्यूलिपा जेसनेरियाना। ट्यूलिपा जेसनेरियाना में भी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई गई। इसी प्रकार लिम्नोकैरिस इमार्जिनेटा में भी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई गई। वे हेबेनेरिया प्लेटीफिला में भी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई गई। एक बार ममता शर्मा और आई है, को एडमिट कर देते हैं। ममता शर्मा, ठीक है। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कौन कौन से पादपों में पाई जाती है? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी एरिथ्रोनियम के अतिरिक्त ट्यूलिपा गैसनेरिया में पाई जाती है, वह हेबेनेरिया प्लेटीफिला में भी पाई जाती है, वह लिम्नोकैरिस इमार्जिनेटा में भी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। इसी प्रकार आइसोटोमा लॉन्गिफ्लोरा में अतिरिक्त भ्रूणों का निर्माण निलंबक की कोशिकाओं से होता है। एक कुल है, फैमिली है, सेंडेलेसी कुल के सदस्य एक्सोकार्पस में भी निलंबक कोशिकाओं के सक्रिय योगदान के कारण बहुभ्रूणता पाई जाती है। मतलब एक्सोकार्पस में जो निलंबक कोशिकाएं हैं वो एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। अब जब निलंबक कोशिकाएं एक्सोकार्पस में सक्रिय हो जाती है तो वो बहुभ्रूणता को जन्म देती है, ठीक है। तो अनेक उदाहरणों में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी के असामान्य एब्नॉर्मल प्रकार भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक पौधा है निम्फिया एडविना में प्रोएम्ब्रियो प्राक भ्रूण के दो खंडों में बट जाने से दो भ्रूणों का निर्माण होता है। मतलब निम्फिया एडविना में जो प्राक भ्रूण है दो खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड से एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो दो भ्रूणों का निर्माण निम्फिया एडविना में होता है। इसी प्रकार से क्रोटोलेरिया, क्या है, क्रोटोलेरिया एवं एम्पीट्रम में भी प्राक भ्रूण के दो या अधिक खंडों में बढ़ जाने के कारण बहुभ्रूणता दिखाई देती है। विभिन्न भ्रूण विज्ञानियों के अध्ययन के अनुसार ऑर्किडेसी कुल के विभिन्न सदस्यों में विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। मतलब ऑर्किडेसी जो फैमिली है उसमें भी बेटा क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। स्वामी के अनुसार एक ऑर्किड यूरोपिया एपिडेंड्रा में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। क्या नाम है, यूरोपिया एपिडेंड्रा में भी स्वामी के अनुसार विदलन मतलब क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। और ये क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी यूरोपिया में क्या यूरोफिया EULOPHIA यूरोफिया में कैसे संपन्न होती है, तो युग्मनज में अनेक अनियमित विभाजन होते हैं। तो जाइगोट है, उसमें जाइगोट में अनेक इररेगुलर डिविजन होते हैं और इन अनियमित विभाजनों के कारण कोशिकाओं का एक सघन समूह या पिंड बन जाता है और इस समूह के निभागी छोर पर उपस्थित कोशिकाओं से अनेक भ्रूण बनते हैं। इसी प्रकार
प्राकभ्रूण की कोशिकाओं से कली का समान अनेक सूक्ष्म अतिवृद्धियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे अतिरिक्त भ्रूण बनता है। इसी प्रकार फिलामेंटस एम्ब्रियो तंतुबद्ध भ्रूण शाखित हो जाता है एवं प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक भ्रूण बनता है। ये तो ही क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी की बात। अब दूसरा करते हैं, भ्रूण कोश में अंड के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग। बेटा कुछ पादप प्रजातियों में देखा गया है कि अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाएं भी भ्रूण का निर्माण करती हैं। मतलब केवल एग सेल ही अंड का निर्माण नहीं करती, केवल एग सेल ही भ्रूण का निर्माण नहीं करती, अंड से ही भ्रूण का विकास नहीं होता। भ्रूण कोश की जो अन्य कोशिकाएं हैं वो भी अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण करती हैं। इनमें कौन सी है? इनमें सिनर्जिड्स है, इनमें सहायक कोशिकाएं जो अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण एक नर युग्मक के संलयन के द्वारा करती हैं। कि सहायक कोशिकाएं मतलब सिनर्जिड्स में अनेक तो अनेक पौधों में एपोमिक्सिस के द्वारा निषेचन के बिना एगुणित भ्रूण का निर्माण भी होते देखा गया है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ, आर्जिमोन मैक्सिकाना एवं फेजियोलस वल्गरिस में अनिषेचित सहायक कोशिकाओं द्वारा एगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब फेजियोलस में व आर्जिमोन में जो अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जिड्स हैं, जो अनिषेचित सहायक कोशिकाएं हैं, वो एगुणित भ्रूण हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। तो जैसे कि बात बताई कि केवल अंडे से ही भ्रूण का निर्माण नहीं होता, अन्य कोशिकाएं भी भ्रूण के निर्माण में मदद करती हैं। तो अन्य कोशिकाओं में कौन सी आई? सिनर्जिड्स के द्वारा भी हैप्लॉइड भ्रूण का निर्माण हो सकता है, जैसे कि आर्जिमोन मैक्सिकाना में व फेसियोलस वल्गरिस में। ठीक है, इसी प्रकार सर्जिटेरिया ग्रेमिनिया पोवा एल्पाइना व एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा एवं क्रेपिस कैपिलरिस में सहायक कोशिकाएं अंडे के समान बड़े आकार की हो जाती हैं। इसी प्रकार बेटा पोवा एल्पाइना में और एरिस्टोलोकिया में जो सिनर्जिड्स हैं, सहायक कोशिकाएं हैं या सहायक कोशिकाएं हैं, वो एग के समान ही एनलार्ज हो जाती हैं, अंडे के समान ही सिनर्जिड्स बड़े आकार की हो जाती हैं। और इन पौधों में भ्रूण कोश में दो से अधिक पराग नलिका प्रवेश कर जाती है तथा जनन केंद्रक या नर युग्मक भी जो अब संख्या में दो से अधिक हो जाते हैं वह सहायक कोशिकाओं को निषेचित कर द्विगुणित भ्रूण बनाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि द्विगुणित युग्मनजीय डिप्लॉयड युग्मनजीय भ्रूण के साथ साथ सहायक कोशिका से एगुणित भ्रूण का परिवर्धन लिलियम में देखा गया है। मतलब लिलियम में भी सहायक कोशिका से सिनर्जिड से हैप्लॉयड एम्ब्रियो एगुणित भ्रूण का परिवर्धन देखने में आया है। तो सहायक कोशिकाओं की तुलना में प्रतिमुखी कोशिकाओं से भ्रूण बहुत कम उदाहरणों में देखे गए हैं। मतलब अपन देखते हैं सहायक कोशिका भी मिलती है, सिनर्जिड्स भी पाए जाते हैं, एंटीपोडल्स को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिमुखी कोशिकाओं से भी भ्रूण बनता है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि एंटीपोडल से प्रतिमुखी कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होता है। कुछ पौधे हैं
जैसे कि बेटा एलियम ओडोरम, एलियम ओडोरम एवं अल्मस अमेरिकाना में प्रतिमुखी कोशिकाओं से एंटीपोडल्स से भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब एलियम ओडोरम में एंटीपोडल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, परंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ऐसे भ्रूण जो कि एंटीपोडल से विकसित होते हैं वो जीवनक्षम होते हैं, वायबल होते हैं अथवा नहीं। अब तीसरा है बेटा कि भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजाणु की किसी भी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोज अराइजिंग फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द ओव्यूल लोकेटेड आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। जैसे कि अपन देखते हैं अनेक पौधों जैसे कि सिट्रस है, जामुन है, यूजेनिया है, आम है, मैंगीफेरा है इत्यादि में अध्यावरण एवं बीजाणुकाय कोशिकाओं से भ्रूण परिवर्धन होता है। मतलब सिट्रस में, जामुन में, आम में, मैंगीफेरा में जो अध्यावरण है, इंटेग्यूमेंट है, और जो न्यूसिलस की सेल्स है, बीजाणुकाय की कोशिकाएं है, इनसे भी एम्ब्रियो का विकास होता है। तो विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में ये अपस्थानिक भ्रूण एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश के बाहर अवस्थित होते हैं, परंतु बाद में आकार में भ्रूण को परंतु बाद में ये आकर भ्रूण कोश के भीतर घुस जाते हैं, जहां इनका पोषण भ्रूण कोश के द्वारा होता है। तो बीजाणु की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से उत्पन्न भ्रूण एडवेंटिव एम्ब्रियोस कहलाते हैं, अपस्थानिक भ्रूण कहलाते हैं। तो अपस्थानिक भ्रूण किसे कहते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोस किसे कहते हैं, कि मतलब बीजाणु की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से जो भ्रूण उत्पन्न होते हैं उन्हें अपस्थानिक भ्रूण कहते हैं। अब चौथा लेते हैं, एम्ब्रियोज डेवलपिंग फ्रॉम एडिशनल एम्ब्रियो सैक्स इन द ओव्यूल। तो कुछ आवृत बीजी पादपों में एक से अधिक भ्रूण कोश निर्मित होते हैं। अपन देखते हैं कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जिनमें कि मोर देन वन एम्ब्रियो सैक्स पाए जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण कोश पाए जाते हैं, या कुछ पौधों में एक से अधिक भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक निर्मित होते हैं, और उनमें उपस्थित अंड कोशिका के निषेचित होने से अतिरिक्त बहुसंख्यक भ्रूण बन सकते हैं। तो बीजाणु में एक से अधिक या बहुसंख्यक भ्रूण कोश निम्न कारणों से उपस्थित हो सकते हैं। तो जो बीजाणु है, बीजाणु में बेटा क्या बताया, एक से अधिक एम्ब्रियो सैक्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्यों उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि बीजाणु में एक से अधिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं मेगास्पोर मदर सेल के विभेदित होने के कारण, मतलब जो ओव्यूल है जिसको कि अपन बीजाणु बोलते हैं, बीजाणु में एक से अधिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के विभेदित होने के कारण, जैसे कि हाइड्रिला वर्टिसिलेटा, हाइड्रिला वर्टिसिलेटा, सोलेनम मेलेंजीना, वेजूसिया रेपेंस एवं केजियोराइना मोंटाना में, ठीक है। दूसरा है एक ही सामान्य गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभेदित होती है, मतलब कई पौधों में तो बेटा केवल एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनती है, लेकिन इस मेगास्पोर मदर सेल में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद चार गुरु बीजाणु बनते हैं, चार मेगास्पोर्स बनते हैं, और इन चार मेगास्पोर्स में से दो या दो से अधिक गुरु बीजाणु सक्रिय होते हैं। क्या हुआ, चार गुरु बीजाणु तो बने, लेकिन इनमें से चार मेगास्पोर्स में से दो या दो से अधिक गुरु बीजाणु सक्रिय होते हैं, एवं इस प्रकार से
दो या दो से अधिक रुधिरकोश बन जाते हैं, दो या दो से अधिक रुधिरकोश बन जाते हैं, जैसे कि बेटा रोजा, जैसे कि क्या हुआ रोजा, जैसे कि क्या हुआ बेटा रोजा है, एग्जाम्पल रोजा है, ठीक है। तो यह कहा जा सकता है कि सामान्य भ्रूण कोश में निषेचित अंड कोशिका द्वारा विकसित युग्मनजी, मतलब सामान्य भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक में निषेचित अंड कोशिका द्वारा विकसित युग्मनजी भ्रूण के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोई भी कोशिका जैसे एंटीपोडल प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका सिनर्जिड या इससे संलग्न अध्यावरण ऊतक से अतिरिक्त भ्रूणों का विकास हो सकता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, किस तरह से बहुभ्रूणता का वर्गीकरण है। तो विभिन्न भ्रूण विज्ञानियों ने उत्पत्ति एवं अन्य आधारभूत लक्षणों को देखते हुए बहुभ्रूणता की प्रक्रिया को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला है बेटा स्पॉन्टेनियस पॉली एम्ब्रियोनी, स्वतः बहुभ्रूणता। दूसरा है इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी, प्रेरित बहुभ्रूणता। तो स्पॉन्टेनियस पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं, जब पौधों में बहुभ्रूणता की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से बिना किसी कृत्रिम उत्प्रेरण के संचालित होती है, तो इसे स्वतः बहुभ्रूणता कहते हैं। और प्रेरित बहुभ्रूणता क्या होती है, जब कृत्रिम संसाधनों या रसायनों के द्वारा बहुभ्रूणता की प्रक्रिया पौधों में उत्प्रेरित की जाती है, तो इसे प्रेरित बहुभ्रूणता कहते हैं। अब बात करेंगे स्वतः बहुभ्रूणता। अच्छा बेटा, कल आप ढाई बजे क्लास, 2:30 फ्री हो क्या, 2:30 पे थर्ड ईयर वाले 2:30 बजे क्लास ले सकते हो कल? ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। बेटा मैंने पूछ लिया आप लोगों से।